हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक ट्रेडिशनल डिश बनाऊं, तो इससे पहले कि हम बनाना शुरू करेंगे, प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे चैनल का लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दो के लिए कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा। बाकी सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और यहाँ बहुत तरह के पीठा बनाया जाता है, तो मैं उनसे तीन इजी रेसिपी पीठा जो है आपको बताऊँगी, जो कि उनके टाइम में प्राय ही बनता था। तो पहले हम बनाएंगे चकुली पीठा और खपरा पीठा, और एक है जो पत्रपोड़ा पीठा, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में बहुत बनता था, अभी जो कि लोप हो जा रहा है। तो मैं वो आज ये तीनों रेसिपी आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं दो जगह पे चावल ली हूँ, ये मैं चकुली पीठा जो बनाऊंगी इसके लिए मैं चावल ली हूँ, ये अरवा चावल है। चकुली पीठा के लिए छिलका वाला उड़द दाल ली हूँ, ये उड़द दाल हम मिला देंगे इसमें। और हम जो बाकी जो दो पीठा बनाएंगे, जो खपरा पीठा और जो पत्रापोड़ा पीठा बनाएंगे, उसके लिए मैं एक ही साथ, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है तो मैं एक ही साथ ली हूँ, वही अरवा चावल है। ये मैं 4 कप अरवा चावल ली हूँ, तो इसमें मैं उड़द दाल, बिना छिलका वाला उड़द दाल ली हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये, तो इसीलिए मैं बिना छिलका वाला ली हूँ। 4 कटोरी में चावल ली हूँ, तो 2 कटोरी में ये उड़द दाल डालूँगी। 2 कटोरी से थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। अब इसको मिला देंगे और इसमें पानी डाल के, दोनों में हम पानी डाल के इसको 3 से 4 घंटा या फिर रात भर भी हम छोड़ सकते हैं। इसमें जो चावल भिगो के रखी थी वो सबको अच्छे से धो ली हूँ और उसको एक पूरा फाइन पेस्ट कर ली हूँ। देखिए सब एकदम पूरा फाइन पेस्ट है, उसको फाइन पेस्ट कर लिया। ये हम लोगों का जो चकुली पीठा बनाएंगे उसके लिए है, इसमें हम पानी मिलाएंगे जितना चाहिए। और मैं अलग अलग कर दी हूँ, ये हम लोगों का जो खपरा पिठा बनाएंगे उसके लिए है, और ये वाला मैं फॉर्मेंट करने के लिए दोनों रख दी थी, तो ये फॉर्मेंट हो गया है, फूल के एकदम पूरा टिप टिप हो गया है। तो ये हम लोग पत्रपोड़ा पिठा बनाएंगे। तो अब कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एक पत्रपोड़ा पिठा बनाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मसाला का तैयारी करना पड़ेगा। एक मसाला इसमें मिलाएंगे, तो वो मसाला क्या चीज़ से बनता है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो पत्रपोड़ा पीठा है उसमें हम लोग जो मसाला डालेंगे उसके लिए मैं 5 टेबल स्पून जीरा ली हूँ, एक मुट्ठी भर मैं गिनी नहीं कितना ढो, एक मुट्ठी भर करके लाल मिर्च ली हूँ, क्योंकि बहुत झाल नहीं है, थोड़ा थोड़ा झाल लगने से अच्छा लगता है। और अदरक 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, छील के धो के साफ करके ली हूँ। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला पीस के रेडी हो गया है, अब ये मसाला उसमें मिला के हम लोग पीठा बनाएंगे। और इसके लिए हमको ये पत्तल चाहिए, जो हम पेपर प्लेट जैसे मिलता है वैसे पत्ता का पत्तल मिलता है जिसमें हम लोग खाते हैं, तो वो चाहिए। उसको मैं, ये ड्राई था तो इसीलिए मैं इसको भिगो दी हूँ, और स्टिच किया हुआ है इसमें प्लास्टिक का, तो इसीलिए मैं नहीं खोल रही हूँ, नहीं तो इसको खोल के एक एक पीस करके हमको तावा में लगाना रहता है, तो मैं इसको ऐसे ही होल डाल दूँगी। तो ये हम इसी तरह से पत्ता को बिछा देंगे, या फिर ऐसे होल भी आप डाल सकते हैं। तो इसको हम अभी गरम कर दिए हैं, अब हम बैटर को रेडी कर लेंगे। तो इसमें हम नमक मिला देंगे, ये जो हम मसाला पीसे थे, मसाला को 2 से 3 चम्मच मसाला मिला देंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे, इसको अच्छे से फेंट दीजिए। ऐसे भी फर्मेंट हो गया है तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है, इसमें और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी कंसिस्टेंसी में हमको रखना है। तो अब हम पत्ता में इसको डाल देंगे। मैं गैस में बना रही हूँ तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, इसको पतला करके कर रही हूँ। जब ये हम ट्रेडिशनली आग में बनाते हैं, थोड़ा मोटा करके भी देने से
ऊपर से जब हम आग डाल देते हैं तो ऊपर से भी वो पक जाता है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। ऐसे फैला दीजिए गोल करके। अब इसके ऊपर भी हम एक पत्ता डाल देंगे, अच्छे से उसको दबा दीजिए। अब इसके ऊपर, यहाँ मेरे पास तो आग नहीं है तो इसीलिए मैं इसके ऊपर एक ढक्कन ढक दे रही हूँ। अब इसको हम 15 से 20 मिनट देखेंगे, फिर उसके बाद नहीं तो और थोड़ा सा नहीं पका होगा, चाकू लगा के देखेंगे, थोड़ा सा नहीं पका होगा तो उसको और थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम दूसरे वाला पीठा में बनाएंगे जो खपरा पीठा है। सेकेंड में हम खपरा पीठा बनाएंगे, ये मिट्टी के जो ढक्कन रहता है उसमें बनाते हैं, उसको हम लोग खपरा बोलते हैं। तो ट्रेडिशनली उसमें बनाया जाता है लेकिन अब हम तावा में बनाएंगे उसको। तो उसके लिए मैं 2 कप चावल ली थी, 1 कप उड़द दाल ली थी, उसको पीस के, अच्छे से पीस के, इसको भी फर्मेंट होने के लिए मैं छोड़ दी थी। अब इसमें हम लोग नमक और पानी जितना चाहिए उतना मिला लेंगे, फिर इसको रोटी बनाएंगे। तो इसमें हम नमक मिला देंगे टेस्ट के हिसाब से, पीस के रखी थी वो पानी थोड़ा सा मिला देंगे, अब इसको मिला लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, नहीं तो बहुत पानी हो जाएगा तो फिर ये बनेगा नहीं। इसको इडली के जैसे ही हमको बैटर को रखना है, तो इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। इसका कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये वो वाला पीठा से थोड़ा सा ये पतला होगा। मैं तावा गरम कर दी हूँ, अब हम बना लेंगे रोटी। ये हमारा तावा गरम हो गया है, अब हम उसमें एकदम हल्का सा तेल ग्रीस कीजिए, नहीं तो पीठा उठ के आ जाएगा। ऐसे एक ही पीठा में चाहिए, बाकी उसके बाद आप जितना भी लगाइएगा तो उसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हम इसमें 2 स्पून ये पीठो डाल देंगे, इसको थोड़ा सा फैला देंगे बीच में ही। अब हम इसमें ढक्कन ढक के, बस 2 मिनट लगेगा, ये तुरंत हो जाता है। तो ये हमारा 2 मिनट हो गया है, इसको हमको पलटाना नहीं है। देखिए ये पक चुका है, पास से मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे होल होल हुआ है। ये होल होल हो गया है मतलब जानिए ये बहुत सॉफ्ट बना होगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये ऊपर से भी पूरा होल है, नीचे की तरफ से भी, ऐसे कीजिए तो ये खुश खुश करेगा और ऊपर की तरफ से ये पूरा सॉफ्ट है। तो अब हम और एक बना लेंगे। अब हमको तेल देने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना लेंगे। गोल गोल घुमा लेंगे इसको, इसको हम ढक देंगे और हमको मीडियम आंच पे इसको पकाना है, मीडियम से लो फ्लेम में। तेज़ मत कीजिए नहीं तो नीचे जल जाएगा। कि हमारा 15 मिनट हो गया है, अब हम इसको पलटा देंगे। अगर हम ऊपर से आग डालते तो ये पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऊपर से आग नहीं है तो इसीलिए इधर भी क्रिस्पी होने के लिए उसको पलटाना पड़ेगा। इसको हम पलटा के 10 मिनट पका लेंगे। अब इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही पकने दीजिए। ये हमारा खपरा पीठा भी हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए बिना तेल का भी आराम से छूट जाएगा, हर तरफ से ये छूट जाएगा। ये हमारा खपरा पीठा हो गया, तो इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये हमारा पत्रापोड़ा पीठा हो गया, ये 15 मिनट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा आँच बंद करके उसको थोड़ा ठंडा होने को देंगे, फिर ठंडा होने से उसको खोलेंगे। हम जो पत्रापोड़ा पीठा किए हैं उसको मेरे दादाजी लोग जो थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स लोग थे, वो लोग गुड़ और घी में खाते थे। तो मैं एक गुड़ ले ली हूँ गोला सा और उसको चूर कर दी हूँ और उसमें 1 चम्मच हम घी मिला लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच घी मिला दीजिए। अब इसको अच्छे से मिला देंगे, इसको अच्छे से मिला दीजिए। तो ये मैं अच्छे से मिला दी हूँ, ये हमारा घी गुड़ रेडी हो गया। ये हम चकुली पीठा बनाएंगे जो कि बहुत झटपट बन जाता है। ये थोड़ा वाटरी रखेंगे इसको, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए। इसमें हम नमक मिला देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे।
आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो बहुत पतला घोल मत कीजिए, नहीं तो उठा नहीं पाइएगा। हम लोगों का आदत हो गया है तो उठ जाता है। देखिए इसको ऐसे थोड़ा ये पानी पानी रहेगा घोल इसका। अब इसको हम चकुली पीठा बनाएंगे। इसके लिए हम सरसों का तेल यूज करेंगे। मैं तावा गरम कर दी हूँ, फ्लैट वाला तावा रहता है ये, हम लोगों के गांव की तरफ मिलता है तो आप उसमें भी बना सकते हैं तावा में, लेकिन आपको पतला करके उसको फैलाना पड़ेगा। तो ये तावा गरम हो गया है, हम ऑयल इसमें ब्रश कर देंगे। अच्छे से ऑयल को ब्रश कर दीजिए हर तरफ से। अब इसमें हम एक चम्मच बैटर लेंगे और उसको बढ़िया से चारों तरफ फैला लेंगे। तो मैं इसको उठा के ऐसे गोल से घुमा लेंगे, अगर जहीं नहीं हुआ है कहीं तो ऐसे दे देंगे उसको। अब इसको ढक के 2 सेकंड लगेगा हमको, तो ये हमारा 2 सेकंड हो गया है। अब इसको हल्का सा अगर इसमें छोड़ देंगे, एक सेकंड भी छोड़ देंगे तो ये बढ़िया से एकदम नीचे से क्रिस्पी होगा, अपने आप साइड से छोड़ने लगेगा, ये पूरा जाली जैसे होगा। ये देखिए हमारा आराम से उठ के आ जा रहा है। इसको पलटाने की ज़रूरत नहीं है, ना फर्मेंटेशन की ज़रूरत है, आप पीसिए और तुरंत बनाइए। ये जो हम मसाला पीसे थे मैं इतना सा बचा के रखी हूँ उसमें खाने के लिए चटनी जैसे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा जो पतरा पोड़ा पिठा है ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको ऊपर से खोल लेंगे, ये आराम से खुल जाएगा ठंडा होने से। ये हमारा पतरा पोड़ा पिठा रेडी हो गया। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके में पकाना है तो सबसे पहले आग जला के उसमें तावा बिठा लेंगे, फिर पत्तल डाल देंगे, फिर उसमें जो बैटर हम बनाए थे वो बैटर डाल देंगे। इसमें हम ज़्यादा बैटर डाल सकते हैं, अगर गैस में करते हैं तो पतला करके किए थे, इसमें हम ज़्यादा बैटर डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम फिर से पत्तल का एक लेयर अच्छे से दे देंगे, क्योंकि ऊपर आग डालना है। तो अच्छे से लेयर कर दिए, फिर उसके ऊपर आग डाल देना है। जलता हुआ आग नहीं है, कोयला वाला जो रहता है वही वाला आग डालना है। देखिए इसी तरह से अब इसको आधा घंटा पका लिए। आधा घंटा पकाने के बाद इसको कर देंगे दोनों तरफ से साफ कर देंगे। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर एकदम सॉफ्ट होता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल वाला रेडी हो गया। तो ये हमारा तीनों तरह का पीठा तैयार हो गया। ये हमारा चकुली पीठा एकदम पतला पतला सा, ये हम रोज़ बनाते हैं, तो आप लोग भी बना के देखिए। ये हमारा खपरा पीठा जो आप उत्तपम जैसे बनाते हैं उसी टाइप का ही है, और इसको टमाटर के चटनी के साथ, ये भी टमाटर के चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का जो पीठा है, जो ट्रेडिशनल वाला पीठा है, इसको हम ये घी गुड़ में या फिर जो हम मसाला पीस के रखे थे इसी मसाला के साथ सर्व कीजिए, तो ये भी थोड़ा झाल झाल लगेगा, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा यह पीठा रेसिपी कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार बना के देखिए, आई एम श्योर कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की याद आ जाएगी। सो एन्जॉय योर स्नैक्स। थैंक यू।